एक चिकन उठाएंगे और इसकी क्रेस्पी देखिए, देखिए एकदम एक ही गला हुआ है और परफेक्ट जूसी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बना है रेहाना किचन में। हमने ले लिया है 1 केजी चिकन और चिकन को अच्छे से धो लिया है और आज बनाएंगे फ्राइड चिकन। तो फ्राइड चिकन बनाने के लिए सबसे पहले चिकन के लेग पीस में हम 2 कट लगा लेते हैं इस तरीके से, जिससे जब हम इसे मैरिनेट करें तो इसके अंदर मसाले अच्छे से जाए। देखिए एक बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। चिकन को वैसे तो हमने अच्छे से धो लिया है, लेकिन एकदम अच्छा सा, एकदम थोड़ा सा भी इसके अंदर ब्लड ना दिखे, इसके अंदर शाइनिंग और जब बनाए तो जूसी सॉफ्ट चिकन फ्राई हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए 2 गिलास हम पानी, उसके बाद हम ले लेंगे व्हाइट विनेगर। विनेगर आपके पास जो भी हो वो ले लीजिए। 1 चम्मच के करीब हम ले लेंगे नमक। इससे क्या होगा, आपका चिकन अच्छे से क्लीन भी होगा और जब हम फ्राई करेंगे ना तो चिकन का अंदर का टेस्ट फीका बिल्कुल नहीं लगेगा, टेस्ट आ जाएगा। क्योंकि तभी जो हम विनेगर और नमक यहाँ पे डालते हैं ना, तो चिकन के अंदर भी इस अपना टेस्ट लेके आता है। और इस तरीके से देखिए पानी गंदा होने लगा ना, तो इसे हम 1 घंटे के लिए ढक के छोड़ देते हैं, जिससे काफ़ी एकदम क्लीन भी हो जाएंगे। और जो भी 1 घंटा हो गया है सिरके वाले पानी में, देख सकते हैं कितना गंदा हुआ है। तो इसे हम 2 से 3 पानी धो लें। इसे धुलने के बाद चिकन कुछ इस तरीके से अलग ही कलर और एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे जब हम चिकन फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे हम एक बहुत बेहतरीन बनाते हैं इसका बेहतरीन। तो सबसे पहले ले लेंगे लहसुन अदरक का 1 चम्मच भर के पेस्ट। चम्मच से 1 चम्मच ले लेंगे मिर्ची पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेंगे। कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 चम्मच से कम, ये 1 केजी के हिसाब से मैं बता रही हूँ सारी रेसिपी। 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर है, सौंफ का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। 1/2 चम्मच जीरा का पाउडर, 1 चम्मच ले लेंगे धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ले लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कलर परफेक्ट आए खिल के, 1 चम्मच चिकन मसाले, चिकन मसाले जरूर डालिएगा। नमक ले लेंगे, नमक थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि हमने नमक और सिरके के पानी में भी डाला तो उससे भी थोड़ा सा नमक चले जाते हैं। उसके बाद हमने ले लिया है 2 चम्मच भर के दही, इसको छन्नी में रख दीजिए, सारा पानी इसका निकल जाता है इस तरीके से। फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता ले लेंगे, 1 चम्मच भर के ले लेंगे बेसन, 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर। ये तीनों चीजें मसालों को बाइंडिंग देता है और उसके साथ बहुत ज्यादा ही क्रिस्पी बनाता है। थोड़ा सा ले लेंगे 1 पिंच के करीब फूड कलर, जिससे बहुत परफेक्ट मार्केट वाला कलर आए। और सबसे लास्ट में लेंगे 1 नींबू और इसे अच्छे से हमें निचोड़ना है, नींबू जरूर डालिएगा। मस ले लेंगे आमचूर का पाउडर और सारी चीजों को हम करते हैं अच्छे से मिक्स। देख के आपको समझ में आ रहा है ना कि बहुत बेहतरीन चिकन फ्राई बनने वाला है। तो प्लीज आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और बहुत बेहतरीन इस तरीके से चिकन फ्राई आप एक बार बना के किसी को खिलाएंगे ना, तो बार बार यही रेसिपी से आपको बोलेंगे कि उस तरीके से बनाइए, बहुत टेस्टी हुआ था। तो देख रहे हैं ना कितना परफेक्ट हुआ है और ये झटपट फ्राई हो जाता है। तो इसे आपको ये नहीं कि 5 घंटा 8 घंटा के लिए मैरिनेट करना है, आप इसे अगर टाइम की कमी है तो 1 घंटे में भी फ्राई करके खाएंगे तो वही क्रिस्पी वही टेस्ट आएगा आपको अपने चिकन फ्राई में। तो देखिए कितना परफेक्ट हुआ है ना। तो इसे हम ढक के 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए, 1 घंटा हो गया है चिकन को मैरिनेट करके, तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन हुआ है ना। तो इसे हम साइड में करेंगे।
फ्राई करते समय मसाले थोड़ा सा बाहर ना निकले, तो जिसके लिए हम ले लेंगे 2 अंडे। वैसे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन फिर भी और भी क्रिस्पी बनाने के लिए तो अंडे का हम व्हाइट वाला पार्ट लेंगे। इसे हम बहुत सावधानी से तोड़िएगा, देखिए व्हाइट वाला पार्ट जितना है वो निकल जाएगा, और येलो वाले पार्ट को आप फ्राई करके या कुछ भी करके आप ऑमलेट बना के खा सकते हैं। इसे रख देंगे और इसका भी हम डालेंगे हल्का सा नमक और स्पून के हेल्प से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से अंडे के अंदर डाल दीजिए या एक एक करके डिप कर लीजिए। तो मैं अंडे के चिकन के अंदर अंडे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप मैरिनेट करते समय भी डाल सकते हैं, कोई ये नहीं है कि अभी या बाद में, जब मर्जी हो तब आप डाल सकते हैं। अगर अंडा नहीं खाते तो बगैर अंडे का भी आप फ्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अच्छे से अंडे, इसके अंदर व्हाइट वाले पार्ट मिक्स। यहाँ पे ले लिए हम ब्रेड क्रम्स, ब्रेड को पीस के हमने लिया है और उधर गैस पे रख देंगे तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे एक चिकन इस तरीके से अच्छे से उठाएंगे और ब्रेड क्रम्स के ऊपर इस तरीके से प्लेट में हम रखते जाएंगे। और मैं करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल ईजी है। अच्छे से लेग पीस को भी चारों तरफ से हम कोट कर देंगे, देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारा कर लेते हैं। तो इस तरीके से सारा हमने रेडी कर लिया। इस तरीके से करके आप चाहो तो फ्रीजर में रख दीजिए, जब मर्जी हो आप फ्राई करके भी खा सकते। तेल अच्छा सा गर्म हो गया है, फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और एक एक करके इसके अंदर डालेंगे, हाथों को बचा के डालेंगे। एक बार में जितने हैं उतने ही डालिए ताकि आसानी से हम फ्राई कर सकें। तो मीडियम फ्लेम पे हम 1 मिनट तक छोड़ देंगे। 1 मिनट हो गया है तो इसे हम चिमटी से या स्पैचुला से इस तरीके से पलट लेंगे। जब हो जाएंगे तो यह आराम से छोड़ देते हैं कढ़ाई को। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, ये अभी नहीं हुआ है। अब ये हो गया है तो इसे भी हम पलट देते हैं, इसे भी 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें एक बार और फ्राई करना है। तो इस तरीके से इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। दूसरे बैच का भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं, इसे भी मीडियम फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे। एक मिनट के बाद हम पलटना शुरू कर देंगे। जैसे ये हो जाते हैं अपने आप हटने लगते हैं, आसानी से पलट जाते हैं। बैच का भी एक बार हम फ्राई कर लें, इसे ठंडा कर लेंगे और तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, फिर दोबारा हम फ्राई करेंगे। एक बार फ्राई करने पे देखिए चिकन इस तरीके से हुआ है। वैसे आप चाहो तो एक बार पे भी खा सकते हैं, लेकिन और भी क्रिस्पी बनाना है तो हम बनाएंगे इसको दोबारा फ्राई करेंगे। तो इसे ठंडा कर लेते हैं, काफ़ी ठंडा हो गया है और तेल भी बहुत अच्छा गर्म है। तो इसे हम डालेंगे और तुरंत फ्राई करते जाएंगे। इसे घुमाते जाएंगे ताकि चारों तरफ से बेहतरीन सा कलर आए और क्रिस्पी बने। परफेक्ट रेडी हो गया, दूसरी बार में देख रहे हैं कितना बेहतरीन हुआ है ना। तो इसी तरीके से हमें करना है, ये हम इसी तरीके से कर लेंगे।
कंटिन्यू चलाते रहना है। घी रेडी हो गया है, इसे भी हम फटाफट निकाल लेते हैं। तो एक बार फ्राई करके वो रखे होते हैं, दोबारा जैसे ऑर्डर देंगे तो ये दोबारा इसी तरीके से फ्राई करके फटाफट दे देते हैं। तो देखिए कितना बेहतरीन हुआ है ना। तो रेडी हो गया है, थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर फ्रूट चाट, जिससे क्या होगा कि बहुत अच्छा और भी टेस्ट आएंगे, चटपटा एकदम बेहतरीन। सब हरी मिर्च को हमने फ्राई कर लिया था, देंगे धनिया पत्ते से हरे। प्याज को हमने इस तरीके से निकाल लिया है, जिससे काफ़ी अच्छा। इस तरीके से नींबू को काट के भी आप लगा सकते हैं। हमने बनाया है ग्रीन सी चटनी धनिया की, सी और परफेक्ट क्रिस्पी बना है चिकन फ्राई। अगर रेसिपी ज़रा सी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।